माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम कर रहे थे घर का काम और काफ़ी हद तक हमने घर का काम कर भी लिया है। और इधर बच्चे सो रखे हैं, ये देखिए, अरे सॉरी, ये तो जग रहे हैं। सो गाइस, अभी शाम हो गई है और शाम के टाइम ये देखिए आदित्य भी आ गया है। और शाम के टाइम हमारे यहाँ पे लगाने के लिए आ रहे हैं भैया टीवी। और क्योंकि है ना, पहला वाला टीवी ख़राब हो गया था, तो काफ़ी महीने हो गए थे, 6-7 महीने हो गए थे, तो हमने नहीं लगवाया क्योंकि हमने ये सोचा कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो अभी नहीं लगवाना चाहिए। तो अभी बच्चों के पेपर हो गए ख़त्म, तो हमने सोचा कि अब लगवा देते हैं बच्चों के लिए टीवी। तो इसीलिए हमने ना टीवी लगवा दिया है बच्चों के लिए। तो कल ही हम ऑर्डर करके आए थे, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज मैं मेंशन कर देती हूँ कि मतलब कि आज वो अभी आएंगे टीवी लगाने के लिए, तो उससे पहले मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो मैंने बनाए थे राजमा चावल, देखिए बच्चों ने फिनिश कर दिए हैं खा के। और साथ में हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि मैं गई थी बाहर कहीं कुछ सामान लेने के लिए। तो फटाफट चेंज करके मैं कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद जब भैया आएंगे टीवी लगाने के लिए तो मैं दिखाऊंगी वो कैसे कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं। लग तो 40 इंची का ही रहा है। ये पहुंच जाएगी तारों हाथ तक, बताबे को आप उधर पहुंचाने पड़ेगी भैया। कितनी बड़ी तार है, लग तो ना रही है। तो जा लो, हम भी तो चुप हो जाएगी। मैंने इसको बोला था काव्या को इसको अंदर रख दे इसके अंदर, पर वो मानती थोड़ी ना है। वाला इधर ना पड़ेगा, ये वाला उधर पड़ेगा, उसमें भी एक प्लग चल सकता है, तो हमें तो कई चलाने। फिलहाल उस तार को खोल लो, चेक करवा लो, बाद में देखते हैं कुछ सेटिंग करके। वहां ऊपर से खोल लो भी, ऊपर से ये आगे हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे है ना, भैया हरों ने टीवी लगा दिया था और अब वो चेक कर रहे थे, स्टार्ट करके देख रहे थे कि सही से टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें मैं बीच बीच में भैया से पूछ भी रही थी कि भैया इसमें आईडी वगैरह बना दोगे या नहीं बनाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे। तो कह रहे थे कि हम यूट्यूब वगैरह चला के आप कुछ दे देंगे, उसके बाद आप बना लेना। तो इधर काव्यांशी ने फटाफट इसके अंदर इन भैया के जाते के साथ तुरंत ही आईडी बना दी थी, और देखिए टीवी चल गया है। और ये टीवी है 43। सो गाइस, बीच में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। गाइज, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम भी कर रहे हैं नवरात्रों की पूजा। तो अभी कर लेते हैं कलश स्थापना, तो पहले जला लेते हैं भगवान जी की ज्योत, ये देखिए। और मैंने ना इधर एक प्लेट ले ली है, उसमें थोड़े जौ चावल गेहूं आप कुछ भी डाल सकते हो, पास ले आप गेहूं चावल जो कुछ भी डाल सकते हो इस तरीके से। और इधर मैंने ये लोटा ले लिया है गंगा जल का। तो गाइस अभी है ना, ये देखिए आम के पत्ते हैं, ये मैंने रख लिए हैं, डंडी थोड़ी बड़ी हो गई। तो अभी मैं इसमें लपेट दूंगी। सो गाइस, आपको भी लगा देती हूँ टीका। चला
मंदिर दिखा दे। सो गाइस इधर दिखा रही है मंदिर की, मैंने मंदिर कैसा सजाया था। मैंने शाम को ही मंदिर की सारी तैयारियां कर ली थी और मंदिर दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो गाइस क्या हुआ कि इधर मैंने है ना वो प्लेट में लोटा सही नहीं आ रहा था और पूजा के लिए सामान भी बार बार निकालना पड़ता है, तो मैंने क्या किया कि इसको छोटी प्लेट में सेट करके और सीधा मंदिर में लोटे को इस तरीके से रख दिया और फिर उसके बाद तुरंत ही मैंने कर ली धूप बत्ती लेके और उससे छोटी सी पूजा कर ली। इधर मैंने कलश पे फल भी चढ़ा दिया, जैसा कि आप देख रहे हो कि भाई मैंने भगवानों को भी फल चढ़ाया हुआ है, तो मैंने कलश स्थापना की थी तो मैंने उधर कलश पे भी फल चढ़ाया और इधर दोनों हाथ जोड़ के फिर मैंने फटाफट एक धूप बत्ती ली और उसे एक छोटी सी पूजा कर ली फिलहाल के लिए। सो गाइज मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जैसे कि आप देख रहे हो तो इधर पूजा मैंने शुरू कर दी और एक छोटी सी आरती कर ली थी। सो गाइज यहाँ पे बना लिया है मैंने आलू का रायता, तो अभी हम खाने वाले हैं आलू का रायता। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।